फायर रिटेंट होज है वो दो प्रकार का है, एक कैनवस का है और एक आरआरएल का है। तो दोस्तों अभी हम जो उसमें फायर फाइटिंग के टाइम पे जो उसमें यूज़ करते हैं, हमको भी ब्रांच की भी ज़रूरत है, तो हम कितनी प्रकार की ब्रांच यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे पास बहुत सारा ब्रांच है, एक 6 प्रकार का हमारे पास ब्रांच है। तो ये जो है हमारा दोस्त, ये हो गया शॉर्ट ब्रांच जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ से खुलता भी है, ठीक है, ये हो गया शॉर्ट ब्रांच। तो दोस्त ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट ब्रांच, ठीक है, ये अपना शॉर्ट ब्रांच हो गया। और इसको जो हम बोलते हैं फास्ट एक्शन ब्रांच बोलिए, यूनिवर्सल बोलिए, जो भी हम समझते हैं, ये हो गया फास्ट एक्शन ब्रांच। इसमें हमारा 3 तरह का है, हम इसको जेट भी कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, और ये जो है दोस्त इसके हैंडल जो है ये हमारा पकड़ने के लिए है, और ये जो है उसका अपना हैंड कंट्रोल, यानी कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये यहाँ पे लॉक हो जाता है, अगर हमने इसको क्लोज किया तो क्लोज हो जाएगा, फिर ओपन किया तो ओपन हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो है हमको 3 प्रकार का फंक्शन मिलता है। हम फायर फाइटिंग के टाइम पे जब भी हम यूज़ करते हैं, जब जितना टाइम ज़रूरत है उतना टाइम हम पानी चालू कर सकते हैं, उसके बाद हम बंद करना हो तो बंद भी कर सकते हैं। अगर हमको आग हमारे तरफ ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि हमको आग का जो महसूस ज़्यादा ना हो उससे भी हम सेफ रहेंगे, और अगर दूर में आ गए तो हम इसको जेट भी कर सकते हैं। दूसरा ये जो दोस्त है, ये हो गया वाटर कंटेंट मयूरा टाइप ब्रांच। इसमें आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर लगा हुआ है, एक मेल कपलिंग लगा हुआ है, यहाँ से कटिंग है और एक साइड से ये पूरा बंद है, आप देख सकते हैं होल्डिंग के साथ में ये पूरा बंद है। तो दोस्त ये क्या किसके लिए होता है, अगर ज़्यादा कहीं आग लगा हुआ है तो क्या होता है, हम उसमें फायर फाइटिंग करने में हम लोगों को दिक्कत होता है, तो क्या होता है हम इसको चालू करके रख के एक जगह पे दूसरे पाइप से भी, दूसरा जो अपना हाइड्रेंट होच है उससे भी हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं, ताकि क्या इसका जो हमारे ऊपर जो आग का वो आ रहा है, क्या बोलते हैं हीट जो आ रहा है, वो हमारे ऊपर ना आए। दोस्त ये हो गया वाटर कंटेंट मयूरा टाइप। और दोस्त ये जो है ये हमारा टीपी, ये हमारा टिपल पर्पज है, ये इसमें भी वही है फंक्शन, इसमें हम जेट भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा 2 टाइप का इसमें आपको फंक्शन मिलता है। और ये जो है दोस्त ये हो गया हमारा फॉर्म ब्रांच, यानी कि ये जो है FB10X है, ये फॉर्म ब्रांच है, हमारा जो केमिकल या मैकेनिकल फॉर्म जो होता है हम यूज़ करते हैं उस टाइम पे ये ब्रांच को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हो गया FB10X। और ये जो है फ्रेंड्स ये हमारा हो गया FB5X। तो ये क्या होता है, बेसिकली हम जो होच यूज हाइड्रेंट होच लेके रहते हैं तो उसमें ये यूज़ करते हैं। ये तो देखिए हमारा जो है लॉन्ग रेंज मॉनिटर का है, बाकी इसमें भी जो है मेल यहाँ से फिक्स किया गया है, आप देख सकते हैं, बाकी ये भी इसमें मेल कपलिंग रहता है। तो ये क्या होता है, जब हमारा फॉर्म कार्बा है ये उसके अंदर डुबाना है, फिर यहाँ से अपने को चालू करना है। तो यहाँ से हम फॉर्म अगर यूज़ करना है तो फॉर्म यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ करना है तो नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बंद कर दे, बहुत हो गया।